हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र तैयार करने को लेकर उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन। जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग व आयुर्वेद में भरे जाएंगे 150 पद। तंबाकू से बनने वाले उत्पादों पर टैक्स 3 से 4.5 रुपए किया गया। सरकारी स्कूली छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म के बदले डीबीटी के माध्यम से 600 रुपए देने की मंजूरी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 वर्ष तथा इससे अधिक आयु की स्पीति घाटी के सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसमें छोमो या नन भी शामिल है। इनकी संख्या 5000 के करीब है। राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र तैयार करने के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को अध्यक्ष और कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए एक कैबिनेट उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। आज हिमाचल मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई है, मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें कैबिनेट ने बहुत सारे फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे अहम फैसला जो लिया गया है कि राज्य स्तरीय जो हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी ने जो स्पीति में किया था और उन्होंने कहा था स्पीति की सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी विकास सम्मान निधि दी जाएगी, उसके तहत आज स्पीति की सभी महिलाओं को जो है वो कैबिनेट ने 1500 रुपए के हिसाब से इंदिरा गांधी सम्मान निधि की स्वीकृति प्रदान की है। जैसा कि हमने फर्स्ट फेज में हिमाचल प्रदेश की 2,31,000 महिलाओं को इंदिरा गांधी सम्मान निधि स्वीकृति प्रदान की है और सेकंड फेज में ये स्पीति की सभी महिलाओं को कैबिनेट स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वो सरकारी स्कूलों में जितने भी छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके लिए जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म की स्वीकृति प्रदान की गई है और तुरंत जो है वो उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जो है वो जमा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने आज जो है कमेटी की फॉर्मेशन की है कि वो हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में जो है वो कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है और डेप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जिसके सदस्य चंद्र कुमार जी माननीय हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर और अनिरुद्ध सिंह जी हमारे माननीय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, ये तीन व्यक्तियों की कमेटी कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन किए गए जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है उसके ऊपर एक विस्तृत रूप से वो अध्ययन करेंगे और मंत्रिमंडल को जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे। टबैको वाला ये है, इस पे टबैको पे जो है CGCR टैक्स है, टबैको पे लगता है इन फॉर्म्स इंक्लूडिंग पान मसाला, पान चटनी एंड प्रिपरेशंस कंटेनिंग टबैको और कंटेनिंग टबैको और टबैको सब्स्टिट्यूट्स अंडर द हिमाचल प्रदेश टैक्सेशन ऑन सर्टन गुड्स कैरिड बाय रोड एक्ट 1999। ये इस पे पहले लगता था 3 रुपए अप टू 250 किलोमीटर, अब इसको जो बढ़ा करके 4.5 रुपए वो अप टू 250 किलोमीटर जो है वो कर दिया गया है। वो राउंड अबाउट 47-48 लाख से करीब होगा। टबैको नहीं है ये, जिसमें टबैको को किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है ना, जैसे पान मसाला है, किसी भी फॉर्म में जो टबैको है।